दिया था कि मुख्तार अंसारी आतंकवादी, कैसे आप देखते हैं? मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का संरक्षण और समर्थन प्राप्त माफिया सरगना है, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में हत्या के, लूट के, अपहरण के अनेक मुकदमे लंबित हैं और इस प्रकार उसके अपराधों के जो कृतित्वों की लंबी फहरिस्त है उसके अनुसार वह एक इस्लामिक आतंकवादी है जिसने भय और दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाने का प्रयास किया था और सत्ता के सहयोग से बहुत हद तक उसमें सफल भी रहा है। माफियाओं के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के लिए, होगी सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, या तो वो जेल के अंदर हैं या जमीन से ऊपर भेज दिए गए हैं और अभी भी जो कोई भी है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुका है। यह भी पंजाब की कांग्रेस की सरकार के सहयोग से पंजाब की जेल में छुप के रहना चाहता था, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया और हम सभी माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में अनेक मुकदमे हैं, उसको उत्तर प्रदेश भेजा जाए और निश्चित रूप से वह हमारे सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश आ रहा है और उत्तर प्रदेश में माननीय न्यायालय के माध्यम से उसे निश्चित रूप से हम सभी दंडित करा सकेंगे, हम सभी को ऐसा विश्वास है। मेरा अंतिम सवाल है कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर मुकदमे हैं, यहाँ पर जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय दिलाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और उन सभी पक्षों को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है और वह एक अपराधी है, उसके साथ अपराधी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। पंजाब की जेलों में वह 5 स्टार का लाभ उठा रहा है सरकार के सहयोग से, यहाँ पर आकर के हम उसे एक आम कैदी की तरह, एक अपराधी की तरह जेलों में रख करके उसे एहसास कराएंगे कि अपराधी की क्या जगह होती है और क्या जगह होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री आनंद सोसुखी से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी लाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो योगी सरकार करेगी। नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल बलिया से, नमस्कार।